फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं लेसन 5, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक डॉट ट्रेसपास टू पर्सन। हमने अभी तक देखा डॉट होता क्या है, और उसके बाद हमने डिफेंसेस देखे थे, जनरल डिफेंसेस। अब हम स्पेसिफिक डॉट की तरफ मूव कर रहे हैं कि अब हम स्पेसिफिक डॉट देखेंगे, कौन कौन से डॉट्स होते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वीडियो की सिनॉप्सिस क्या है, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे असॉल्ट, असॉल्ट होता क्या है, उसके एसेंशियल्स क्या है। उसके बाद देखेंगे बैटरी, बैटरी क्या है और बैटरी कैसे, इन्हें जानेंगे। और जो बैटरी के दो एसेंशियल्स है, इन्हें डिस्कस करेंगे डिटेल में विद केस लॉज, हम केस लॉज को भी यूज़ करेंगे। और फॉल्स इम्प्रिजमेंट क्या होता है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट पर केस लॉज डिस्कस करेंगे। और इन सब की रेमेडीज़, अगर इन तीनों में से कोई भी आपके खिलाफ टॉट कमिट होता है तो आपको रेमेडीज़ क्या मिलेगी, इसे जानेंगे आज। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। असॉल्ट, असॉल्ट क्या है, एन एक्ट ऑफ डिफेंडेंट विच कॉजेज टू द प्लेंटिफ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ द इम्प्लिकेशन ऑफ अ बैटरी ऑन हिम बाय द डिफेंडेंट। मतलब कोई ऐसा कार्य डिफेंडेंट द्वारा, प्रतिवादी द्वारा कोई ऐसा कार्य जिससे वादी के मन में एक डर, भय पैदा हो जाए कि जो प्रतिवादी है उसके ऊपर बैटरी यानी एक तरह का फोर्स कमिट करने जा रहा है, फोर्स यूज करने जा रहा है, फोर्स लगाने जा रहा है, यानी किसी तरह का वो हिंसा इस्तेमाल करेगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर ऐसा भय पैदा हो जाए वादी के मन में तो उसे असॉल्ट कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या निकल रहा था कि आपको एक्चुअल कोई कमिटमेंट नहीं करने, कोई एक्ट नहीं करना है, सिर्फ आपको एप्रीहेंशन पैदा करना है, यानी सिर्फ भय पैदा करना है, यानी वो सिर्फ भय पैदा करना ही एक तरह का टॉट हो गया, ठीक है। अगर देखा जाए तो असॉल्ट को कैसे हम जान सकते हैं कि असॉल्ट क्या है, कब हुआ कब नहीं, तो उसके टेस्ट क्या है डिटरमाइन करने का। तो असॉल्ट का सबसे बढ़िया टेस्ट है डिटरमाइन करने का ये देखना, एप्रीहेंशन बना है या नहीं बना, यानी एप्रीहेंशन अगर किसी के मन में पैदा हो गया, ठीक है, तो असॉल्ट कमिट हो जाता उसी समय, उसी इंस्टांस पे। जैसे कि अगर आपको तरफ में एक पिस्टल, लोडेड पिस्टल करता हूँ, दिखाता हूँ, तो इसका मतलब कि आपके दिमाग में भय आ जाएगा ना, ये मुझे मार सकता है, ठीक है। तो यहाँ असॉल्ट, वो लोडेड पिस्टल आपके तरफ दिखाना ही असॉल्ट हो गया। लेकिन उसी जगह अगर मैं अनलोडेड पिस्टल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, तो क्या हो सकता है, दो चीज़ें हो सकती है। या तो आपको पता है कि वो अनलोडेड पिस्टल है, तो क्या आपको दिमाग में डर आएगा, कभी नहीं, तो वहाँ असॉल्ट नहीं होगा। लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसमें गोलियां हैं या नहीं, अनलोडेड पिस्टल है लेकिन आपको पता नहीं, तब भी आपके दिमाग में भय पैदा हो जाएगा, उसके बाद भी आपके आपके ऊपर असॉल्ट हुआ माना जाएगा। और यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी बनेगी, जो व्यक्ति खाली बंदूक दिखा रहा है उसकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। किस चीज़ के लिए लाइबिलिटी, असॉल्ट के लिए। तो हम इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो होता है वो हम डिस्कस करें कि जो एक्ट है, वो जो आदमी कर रहा है, उसकी एबिलिटी भी होनी चाहिए उस हार्म को कॉज करने की। यानी जो व्यक्ति प्रतिवादी है, जिसके खिलाफ प्रतिवादी वो एक्शन कर रहा है, कोई ऐसा एक्ट कर रहा है जिससे लगता है कि वो उससे चोट पहुंचने वाला है, तो जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, उससे का जो एबिलिटी होने करने की वो भी होना चाहिए। जैसे एक पतला लड़का, मान लीजिए 40 किलो का, वो किसी 100 किलो का आदमी से बोलता है मैं भी तुम्हें थप्पड़ मारूंगा, तो क्या आपको लगता है उस 100 किलो का आदमी के अंदर भय कोई किसी प्रकार का, या फिर किसी बॉक्सर के अंदर वो कोई भय पैदा होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, है कि नहीं। तो वहाँ असॉल्ट नहीं हो सकता। तो उस व्यक्ति की ऐसा करने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है। मतलब सीधी मतलब है कि किसी न किसी प्रकार से रीजनेबल एप्रीहेंशन क्रिएट होना चाहिए माइंड में, एक तरह का उचित भय पैदा होना चाहिए, ठीक है, आपको हर तरीके से। तो अगर ऐसा हो जाता है तो आप असॉल्ट माना जाता है कि असॉल्ट हो गया, आपके खिलाफ कमिट हो गया, और आप इसके लिए कंपनसेशन मतलब डैमेजेस टॉट में क्लेम कर सकते हैं। इसमें दो लीडिंग केस है, एक है बावी शेट्टी वेंकटा सूर्य राव वर्सेज नंदीपति मुथैया। इस केस में सब क्या होता है कि जैसे एक प्लेंटिव जो है, यानी जो वादी है, वो एक एग्रीकल्चरिस्ट रहता है, यानी खेती करने वाला किसान रहता है, जिसके कुछ लैंड रिवेन्यू बाकी रहते हैं, ठीक है, कुछ टैक्सेस बाकी रहते हैं, जो कि लगभग 11 रुपया 60 पैसा होता है। तो जो विलेज का मुंसिफ है, जो गांव का मुंसिफ रहता है, उसके घर जाता है टैक्स कलेक्ट करने, और वहां जाके उसे ये पता चलता है उसके घर पे कोई है नहीं, उसकी वाइफ और बच्चे बाहर गए हैं, घर पे ताला लटक रहा है। तो वो व्यक्ति उससे मिलता है, तो उसके पास पैसे नहीं रहते, वो उस जो उसके पास एरियर्स है लैंड रिवेन्यू, उसे जमा करने के पैसे नहीं रहते। तो मुंसिफ कहता है कि तुमने जो ये ज्वेलरी पहन रखी है, ज्वेलरी क्या उसके पास रहती है, जो भी उसके मतलब ऑर्नामेंट्स पहन रखा है, उसे बोलता है इसे सुनार को बुला के तोला के इसे वापस कर दो, वरना हम तुम्हारे घर का सामान बेच देंगे,
ठीक है, तो वहाँ सुनार आता है, सुनार तौलता ले जाता है। उसके बाद जो ये प्लेंटिफ है, किसान है, ये केस करता है असॉल्ट के लिए। तो कोर्ट यहाँ ये डिसाइड करती है कि इसमें लाइबिलिटी नहीं होगी। किसकी लाइबिलिटी नहीं होगी? विलेज मुंसिफ की, क्योंकि वहाँ असॉल्ट नहीं हुआ, असॉल्ट कमिट हुआ ही नहीं उस ऐसे सिचुएशन में। तो यहाँ पे रूलिंग कोर्ट की आती है, ठीक है। क्योंकि जो व्यक्ति आता है वो है, जो सुनार आता है, उसको एक तरीके से भय पैदा हुआ है नहीं रीजनेबल, तो उसने अपने मन से दे दिया सोने को तौलने के लिए, ठीक है। बाद में फिर आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते कि मेरे पास वो, तो जो कोर्ट ने यहाँ पे देखा कि असॉल्ट वहाँ पे कमिट करने के लिए जो रीजनेबल अप्रिहेंशन होना चाहिए, जो उचित भय पैदा होना चाहिए दिमाग में, वो पैदा नहीं हो पाया था इस सिचुएशन में, इसलिए रूलिंग कुछ ऐसी आई। दूसरा जो लीडिंग केस है स्टीफन वर्सेस मेयर्स, ये भी एक लीडिंग केस है। इसमें ये होता है कि एक मीटिंग चलती रहती है, इसमें जो प्रतिवादी है, डिफेंडेंट है, वो एक टेबल पर बैठा था और कई लोगों के साथ मीटिंग करता रहता है, 6-7 लोगों के साथ, और एक गर्म 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 बहस चलती रहती है। इसी बीच उसे गुस्सा आता है और वो जो चेयर पर्सन है, जो मीटिंग को डायरेक्शन दे रहा है, उसको उठ के मारने जाता है। बाकी लोग इसे पकड़ लेते हैं, ठीक है। तो जब जो चेयर पर्सन है, फिर जो भी प्रतिवाद, यहाँ पे जो वादी है यानी प्लेंटिफ है, जब वो फाइल करता है सूट असॉल्ट के लिए, तो जो डिफेंडेंट है उसे कोर्ट लाइबल ठहराती है, क्योंकि उसका एक्शन ऐसा था जिससे उस प्लेंटिफ के मन में, उस वादी के मन में उचित भय पैदा हो गया कि ये मेरे ऊपर फोर्स, यानी उसे ये मुझे मारने जा रहा है, मुझे मेरे ऊपर बैटरी कमिट करने जा रहा है। आगे हम देखेंगे बैटरी होती क्या है, क्योंकि मैं बार बार टर्म यूज़ कर रहा हूँ बैटरी, असॉल्ट के लिए बैटरी का डर दिखाना, ठीक है। अगर बैटरी कमिट होने का डर आपके अंदर आ गया तो मतलब असॉल्ट है। तो हम जानते हैं बैटरी क्या है। बैटरी का मतलब होता है इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो याद रखिए, इंटेंशनल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन। तो इसके एसेंशियल्स अगर हम देखें तो पहला होगा यूज़ ऑफ फोर्स। यूज़ ऑफ फोर्स मतलब जो फोर्स आप यूज़ करते हैं वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यूज़ हो सकता है। मतलब ज़रूरी नहीं आप फिजिकली टच करके ही मारें, आप हो सकता है स्टिक का यूज़ करें, बुलेट का यूज़ करें, या फिर किसी और तरीके से जैसे पानी का यूज़ करें। आप किसी को अगर मुंह पे थूक भी देते हैं तो वो भी एक तरह का फोर्स माना जाता है, ठीक है। आप उसके लिए लाइबल हो जाएंगे, यूज़ ऑफ फोर्स के लिए यानी बैटरी के लिए आप लाइबल हो जाएंगे। सबसे लीडिंग केस जो इसमें है, इंस वर्सेस विली, ये एक बहुत ही पॉपुलर केस है। इसमें क्या होता है, एक पुलिस वाला अनलॉफुली गैर कानूनी रूप से जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसे अंदर जाने से रोक देता है एक क्लब में, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ कहती है नहीं, यहाँ बैटरी कमिट नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पुलिस ने कोई ओवर एक्ट नहीं किया, मतलब पुलिस ने कोई वो फोर्स का यूज़ ही नहीं किया। वो क्या, एक जैसे एक दीवार होती है उसी तरह बन के खड़ा था। तो कोर्ट की ये डिसीजन था कि जो पुलिस वाला था वहाँ पर एक एक पैसिव डोर की तरह खड़ा है, तो उसने कोई फोर्स यूज़ नहीं किया, मतलब यहाँ को उसने कोई बैटरी कमिट नहीं की, तो इसलिए यहाँ पर जो पुलिस वाला वो लाइबल नहीं होगा। दूसरा जो इसका एसेंशियल है, विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, मतलब कोई भी ऐसा जो फोर्स यूज़ हो रहा है वो बिना कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन के हो। इसमें हम दो केसेस देखेंगे, जैसे प्रताप दाजी वर्सेस बीबी एंड सीआई रेलवे, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्लेंटिफ होता है वो एक ट्रेन में चढ़ जाता है, रात होने की वजह से नहीं, किसी वजह से वो ट्रेन की टिकट नहीं खरीद पाता है। जब स्टेशन आता है बीच का और टीटी उसे निकालने की कोशिश करता है, उतारने की, ठीक है, तो वो उतरने से मना कर देता है, तो टीटी उसको ज़बरदस्ती धक्के मार के निकाल देता है बाहर ट्रेन से। तो यहाँ पर जब वो बैटरी के लिए सू करता है टीटी को, तो कोर्ट कहती है नहीं, वो लॉफुल जस्टिफिकेशन है वहाँ पे, ये जो फोर्स यूज़ किया वो जस्टिफाइड था, रीजनेबल था, ठीक है। और वो जो आदमी था बिना टिकट के था, वो एज अ ट्रेसपासर था, ठीक है। तो वहाँ पे जो डिफेंडेंट है पुलिस टीटी, वो लाइबल नहीं होता है, और जो वादी है यानी प्लेंटिफ, वो हार जाता है ये केस। अगला जो केस हम देखेंगे, पीए कादिर वर्सेज अलगर स्वामी, इस ये एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, जो हैंडर चेफ होते हैं वो एक प्रिजनर को यानी कैदी को बहुत ही बुरी तरीके से एकदम बांधे रहते हैं, चैन से, चैनों से बांधे रहते हैं, जैसे कि कोई डेंजरस एनिमल, कोई खतरनाक जानवर को जिस तरह कोई बांध रखता है अपने वो नेबर में, उस तरह बांधे रहते हैं। मतलब वो हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है, उसे चारों तरफ से बांधा गया चैन से, ठीक है। तो उसमें कोर्ट ये हेल्ड करती है नहीं, ये एक्सेसिव फोर्स यूज़ किया जा रहा है और यहाँ पर बैटरी कमिट हो गई है, तो यहाँ पर लाइबिलिटी बनती है। अब हम देखते हैं एक और नया कॉन्सेप्ट, एक डॉट, एक जो डिफरेंट डॉट है इन दोनों के अलावा, जो ट्रेसपास टू पर्सन में आता है, वह है फॉल्स इम्प्रिजमेंट। तो हम देखते हैं फॉल्स इम्प्रिजमेंट होता क्या है। फॉल्स इम्प्रिजमेंट का मतलब होता है इम्पोजिशन ऑफ टोटल रिस्ट्रेंट फॉर सम पीरियड, मतलब
पूरी तरह से किसी आदमी को रोक देना, किसी सर्कमस्टाइल सर्कल में रोक देना, किसी जगह रोक देना कि ना वो किसी डायरेक्शन में भी मूव ना कर पाए, ठीक है। एंड टोटल डिस्टेंट होना चाहिए, पार्शियल नहीं, हर तरफ से रोक देना, कहीं ना हो जा सके, ठीक है। हाउ एवर शॉर्ट, कितने देर के, कितना भी देर के लिए, अगर आप एक मिनट के लिए भी आप किसी को रोक देते हैं तो भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट हो जाता है, डॉट कमिट हो जाता है और आप इसके लिए लाइबल हो जाएंगे, ठीक है। द लिबर्टी ऑफ अनदर, उसकी फ्रीडम पर आप रोक लगा दे रहे हैं कितनी भी छोटी समय के लिए, यह जो रोक लगा रहा है विदाउट एनी लॉफुल जस्टिफिकेशन, बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन के है। अगर कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन रहता, ठीक है, तो आपकी लाइबिलिटी नहीं बनती, लेकिन यहाँ पे कोई लॉफुल जस्टिफिकेशन ना होने की वजह से आपकी लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। जैसे कि एसेंशियल्स, इसका पहले हम देखते हैं कि दो मेजर एसेंशियल, टोटल रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी ऑफ पर्सन, टोटल रिस्ट्रेंट होना चाहिए, पार्शियल रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, कोई भी तरफ से रास्ता नहीं होना चाहिए उस व्यक्ति को बाहर जाने का, ठीक है। और जो विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, दूसरा है बिना किसी लॉफुल जस्टिफिकेशन से। टोटल रिस्ट्रेंट का मतलब ये नहीं कि चार दीवारी में ही आप बंद करें, आप चार तरफ से आदमी ला खड़े कर दिए घेर के बंदूक लेके, तब भी वो आदमी बाउंड हो गया कि वो इधर से निकल नहीं सकता चारों तरफ से, ठीक है, तो भी टोटल रिस्ट्रेंट आप लगा रहे तो वो भी फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए लाइबल होगा। इसमें जो चार बड़े केसेस हैं, जो चारों पॉपुलर केसेस हैं, उन्हें हम देखेंगे। तो पहला जो केस है बर्ड वर्सेज जोन्स, एक इम्पॉर्टेंट केस है। इसमें क्या होता है, कुछ व्यक्ति फुटवे यानी रास्ते पर कुछ पब्लिक मीटिंग करते रहते हैं, वहाँ पर कुर्सी लगा देते हैं और इसकी वजह से रास्ता ब्लॉक कर देते हैं। जो व्यक्ति रहता है, जो फादी है, ठीक है, जो प्लेंटिफ है, वो गेट को चढ़ के पार करने की कोशिश करता है, उसे रोक दिया जाता है, ठीक है। तो कोर्ट यहाँ कहती नहीं, यहाँ पे फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए लाइबिलिटी नहीं बनेगी। क्यों लाइबिलिटी नहीं बनेगी, क्योंकि टोटल रिस्ट्रेंट नहीं है, ठीक है, आपने पूरी तरीके से उसको में रोका नहीं, उसके पास ऑप्शन था कि वो आगे ना जाके दूसरे रास्ते चला जाए, पीछे जो चला जाए, ठीक है, वहाँ पार्शियल रिस्ट्रेंट था, तो यहाँ फॉल्स इम्प्रिजमेंट का केस नहीं बनता है, लाइबिलिटी नहीं होगी। दूसरा जो इम्पोर्टेंट केस है वो है हेयरिंग वर्सेज बॉयल, ठीक है, ये बाद में ओवर रूल भी होता है, लेकिन हेयरिंग वर्सेज बॉयल में होता है क्या है, इसमें ये देखा जाता है, कोर्ट डिसाइड करती है क्या नॉलेज होना एसेंशियल है, आपको ये पता हो कि आप कैद हो गए, आपको रोक दिया गया, ये जात क्या जरूरी है ऐसा होना, तभी आपकी लाइबिलिटी बनेगी। इसका फैक्ट ये है कि एक स्कूल मास्टर, ठीक है, एक बच्चे को स्कूल से नहीं जाने देता जब तक कि उसकी माँ उसका फीस पे नहीं करती है, ठीक है, बच्चे को इस बात का पता नहीं है, माँ को पता है, लेकिन स्कूल मास्टर ऐसा करता है, जब उसकी माँ केस करती है, ठीक है, फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए, तो कोर्ट कहती है, कोर्ट का डिसीजन आता है कि रिफ्यूज़ करना उस बच्चे को वहाँ से जाना, भले उसके पास नॉलेज नहीं है, इसके फॉल्स इम्प्रिजमेंट नहीं होगा क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है, ठीक है, लेकिन यही यही चीज़ ओवर रूल रहता है आगे चल के, यानी फिर बाद में एक दूसरे केस में कोर्ट कहती है कि नहीं, नॉलेज होना ज़रूरत नहीं है। तो एक डिस्प्यूटेड ये एरिया था जो मेयरिंग वर्सेज ग्रैहम वाइट एविएशन कंपनी में ओवर रूल हो गया। दूसरा केस है भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, ये एक इंपॉर्टेंट केस है, हर जगह पूछता है। इसमें क्या होता है, जो भीम सिंह होते हैं ये MLA होते हैं जम्मू कश्मीर में, और इन्हें वोट देने से अनलॉफुली रोक दिया जाता है, हालांकि इनको कोई नुकसान नहीं होता है। क्यों नुकसान नहीं होता, क्योंकि जिसके लिए ये वोट देने जाते हैं वो जीत जाता है, ठीक है। लेकिन जैसे कि ये आपको मैंने दो मैगजीन पढ़ाई थी, तभी ये केस मैंने मेंशन किया था, भीम सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर, एक इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कोर्ट ये हेल्प करती नहीं, भीम सिंह का लीगल राइट वायलेट हुआ है, उन्हें रोक दिया जाना फॉल्स इम्प्रिजमेंट में नहीं आएगा ऐसा नहीं कहते हुए 50,000 रुपये का जो जुर्माना लगा देती है। क्यों लगा देती है, क्योंकि ये जो एक्ट है वो मैलिशियस एक्ट था, मिसचीवियस एक्ट था, ठीक है, और ऐसा करने पर उन्हें अरेस्ट किया गया रहता है, तो इन चीज़ें एक तरीके से फॉल्स इम्प्रिजमेंट इम्पोज्ड है। तो यहाँ कोर्ट कहती है नहीं, फॉल्स इम्प्रिजमेंट है और उन्हें 50,000 रुपये का कंपनसेशन मिलना चाहिए। आखिरी केस है रॉबिन्सन वर्सेज बेलमैन न्यू फेरी कंपनी लिमिटेड, इसमें हम देखते हैं कि लॉफुल जस्टिफिकेशन होना क्या है, ठीक है, लॉफुल डिटेंशन क्या किसे कहते हैं। जो प्लेंटिफ होता है एक मतलब शिप फेरी को पकड़ने एक डिफेंडेंट के फेरी बोट्स के पास जाता है, उस समय बोट अवेलेबल नहीं रहती है, तो टिकट दे के तो अंदर गया रहता है, ठीक है, लेकिन रूल क्या रहता है कि आप जो बाहर निकलेंगे 20 मिनट इंतजार करने के बाद भी, वो जो बाहर निकलता है तो टिकट लेना रहता है वापस बाहर जाने का भी, ठीक, तो टिकट लेने से रिफ्यूज़ कर देता है, तो उसे रोक दिया जाता है बाहर निकलने से। तो वो जब फॉल्स इम्प्रिजमेंट के लिए सू करता है तो कोर्ट कहती है नहीं, यहाँ पर लॉफुल जस्टिफिकेशन है और जो वो चार्जेस है वो रीजनेबल है, तो इसलिए उसे रीजनेबल चार्जेस दे के ही बाहर निकलना चाहिए था और वहाँ पर लाइबिलिटी उसकी नहीं बनेगी, जो डिफेंडेंट उनकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी। थैंक यू, दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड।